जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपके YouTube चैनल अनुप्रॉयड रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड पढ़ाएंगे। पार्ट थ्री टू तक मैंने बता चुका हूँ। पार्ट थर्ड में भी मैं पहले बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसका शॉर्टकट थ्योरी या अलग प्रोसेस से कराएंगे, तो देखते रहिए और लास्ट तक रहिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कितना ब्याज दर से, यानी कि ब्याज दर कितना है, रेट परसेंट पूछा। 10,000 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना का इंटरेस्ट बोल दिया हमें और प्रिंसिपल भी हमें बता दिया। तो यानी कि अगर हम लिख सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 टू द पावर n। तो यहाँ पर अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल बताए अमाउंट कितना है। पहले बात तो 10,000 है इसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1025। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलने से क्या होगा, हमारा अमाउंट मिल गया और प्रिंसिपल कितना 10,000 है और 1 + r कितना है, रेट हमें पता नहीं है, ये 100 है। n क्या है, n हमें 2 वर्ष 2 टाइम है, सालाना वार्षिक इंटरेस्ट है तो 2 बार है। तो अगर हम इसको करेंगे, इसको जोड़ने से 5 है, ये 2 है, ये 0 है, 1 1 है, बटा 10,000 है इक्वल टू, इसको जोड़ने से कितना, इसको इधर कर दिया तो 10,000 हो गया। तो 1 + इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ जाएंगे 100 + r, 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो, इसके साथ इसको करने का 25 से काटेंगे तो 4 × 25 = 100 और ये 0 = 400 है, और इसको भी 25 से काटेंगे तो 441 होगा। 441 होने से ये जो है 10 = 11/10 होगा, इसका स्क्वायर होगा 441 21/10 होगा। देखिए 441 21/20 का वर्ग होगा, 20 को 20 से गुणा करने से 400 होता है, 21 को 21 से गुणा करने से ये होता है, क्लियर है। इसका बराबर हो जाता है, इसको कैल्शियम कितना है 100 और इधर हो गया 100 + r इसकी स्क्वायर। तो ये वर्ग काट सकते हैं और इसको सीधा हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर कैसे करेंगे, और देखिए अब 100 + r/100 इक्वल टू 21/20। तो इसके साथ इसको काट दिया, इसके साथ इसको 5 कर दिया, तो यानी कि 100 + r इक्वल टू 105 गुना करने से, तो r इक्वल टू ये 105 माइनस 100 इक्वल टू r इक्वल टू 5%। आर इज गुड, यहाँ पर कितना परसेंट हो गया, 5%। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 6 माह अंतर ब्याज मिलने से कितने रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 10% दर से 1 वर्ष का मिश्रधन 11025 होगा। यानी कि इसमें क्या बोला, 6 महीने अंतर ब्याज दर अगर 6 महीने आर इज गुड टू 10% तो ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5%, क्योंकि साल में 2 ही बार मिलेगा। तो साल में 2 बार मिलेगा, जब 6 महीने की बात आता है तो 2 से भाग करेंगे और कितनी बार मिलेगा, n तो 2 बार मिलेगा, तो n इजल टू कितना होगा 2, n इजल टू साल में 1 बार होगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा। तो अभी हमारा फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला में है अमाउंट इजल टू प्रिंसिपल इंटू आर प्लस 1 + r/100 टू द पावर n। तो सीधी सी बात है, हमें कितना क्या दे रखा है, हमें पूछा है कितने रुपया का प्रिंसिपल पूछा है और मिश्रधन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, अमाउंट हमें 11025 है और प्रिंसिपल हमें पता नहीं। अभी 1 + r हमें 5% / 100 और n इज इक्वल टू 2, तो इसको हम करेंगे पी इंटू एस के साथ इसको काटेंगे 1/20 होगा, तो यानी कि 21 इसको इंटू ही कर देते हैं, 21/20 × 21/20 ये 2 बार है तो 2 बार गुना कर दिया। तो सीधी सी बात है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ये जो है 11025, इसको उल्टा कर देंगे 20/21 × 20/21 ये हो जाएगा, पी का मूलधन हमें मिल जाएगा। तो इसके साथ इसको काटना है, काटने से होगा 525 और इसके साथ इसको काटने से भी हमें मिल जाएगा कितना है, 525 के 25 एक के देखो 525 के 21 से काट देते हैं, 25 दुगुने 25 हो जाएगा, 25 दुगुने 42 ये
0.5, फिर 5 करेंगे तो 105 हो जाएगा, तो यानी कि इसके साथ करने से 25 होगा, तो यानी कि 25 × 20 × 20 सीधी सी बात है, दो दोनों 400, 25 × 400 4 × 25 = 100 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो मूलधन इज इक्वल टू अतएव मूलधन इज इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारे कितना है 10,000 है, क्लियर है, मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप शॉर्टकट थ्योरी 8% के ऊपर भी कर सकते हैं। 8% के ऊपर कैसे कर सकते हैं, देखो 8% 5% है, 5% है, जब मूलधन निकालना होगा तो 8% से सीधा गुणा करना है, मूलधन प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट जो है 11025 के, और ये कितना है 5% मतलब 5/100, 5 मतलब ये 1/20, इसको दोनों जोड़ेंगे तो 21/20 होगा, तो मिश्रधन के टाइम सीधा गुना करना, मूलधन के टाइम उल्टा गुना करना, तो उल्टा गुना करने के मतलब है 20/21 × 20/21, क्लियर है, तो इसके साथ इसको काट के देखना 525 होता है, और इसके साथ इसको काटने से भी 25 होता है, यानी कि 25 × 400 यानी कि 4×25 = 100 और 10,000 रुपये, क्लियर है, ये इसके आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10% दर से 1800 रुपए का कितने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपए होगा, सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया टाइम, तो टाइम कुछ कितने वर्ष में टाइम पूछा गया, तो अभी हम क्या करना है, सीधी सी फॉर्मूला, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू दी पावर n, तो अमाउंट क्या, जब इसको इंटरेस्ट दे दिया और प्रिंसिपल दे दिया तो अमाउंट का क्या है 1800 रुपया, और इधर है 378 रुपया, यानी कि 8 है 7 है 11 है 2178 इक्वल टू मूलधन कितना 1800 है, और प्रिंसिपल 1 + r कितना है, r इज इक्वल टू 10% है 10/100, और कितने वर्ष टाइम हमें पता नहीं तो n रख दिया, n इज इक्वल टू टाइम मानना, क्लियर है, तो आगे क्या है 2178 को साथ ये 1800 इधर कर देंगे, तो इधर हो जाएगा कितना 1 + 1 + ना करके सीधी सी बात है ये 10 होगा, तो 10 ये 11 होगा, 11 बाय 10 टू दी पावर n, तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन में सबसे पहले अगर हम 2 से काटते थे 900 हो जाएगा, ये 2 से काटते तो 2×1 = 2 होगा 0 होगा, फिर 9 × 8 = 16 ये हो जाएगा, ये 9 से काट दो तो ये 100 होगा और ये हो जाएगा 121, 121 मतलब 11/10 का वर्ग होगा इज इक्वल टू 11/10 का वर्ग होगा, तो सीधी सी बात है, तो ये बराबर जब बेस होता है तो सूचकांक के मुताबिक n इज इक्वल टू 2 इयर्स, क्लियर है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जितने भी क्वेश्चन हमने 3 एक ही टाइप का क्वेश्चन कराया, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा टाइप का है और मैं आपको दिखाता हूं, इस क्वेश्चन को देखो 8000 रुपया 40% दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज 3 महीने दिया है, इसमें ध्यान रखना है 3 महीने अंतर ब्याज देता है, इसका मतलब इसके साथ ये ब्याज के साथ ये रिलेशन परसेंटेज का घने रिलेशन है, कैसे है, अगर ये 8% है और ये n है, कितना बार दिया जाएगा, सपोज अगर 8% मतलब इसको 40% है, r इज इक्वल टू 40% है, तो ये 3 महीने में देता है, तो 1200 को हमने 3 से भाग करेंगे तो 4, तो 4 से भाग करेंगे यानी कि 10% हो जाएगा, और इसी प्रकार जो 9 महीने है, 9 महीने 9/12 को 4 से फिर गुना करना है, यानी कि 3×3 = 9, 3×4 = 8 इसको काट देंगे 3 बार, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स दिया जाएगा और ये 10% रेट पे दिया जाएगा, इसको खास ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, आगे हम एक बार लिख लेते हैं, तो यानी कि r इज इक्वल टू 10% हो गया, n इज इक्वल टू 3 टाइम्स हो गया 3 बार, और हमें क्या बोला है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू बता दिया 8000 रुपया हो गया,
और इसमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये पूछा है, ये है क्वेश्चन। अभी हर बार तो एक ही मॉडल का है, अभी दूसरा टाइप का मैं आपको करके दिखाता हूं। जब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 वर्ष के लिए जब होता है, सीआई के लिए ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जब 2 वर्ष का होता है तो 2:1 होगा, जब 3 वर्ष का होगा तो 3:3:1 होगा, जब 4 वर्ष का होगा तो 4:6:4:1 होगा। क्लियर है क्वेश्चन? इस ये अनुपात जो है आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि तरीका ये है याद करने के लिए, 2 वर्ष मीन्स ये दो होगा, जितनी वर्ष होगा वो शुरू में 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है और लास्ट में 1-1 है। क्योंकि कंपाउंड ये क्यों होता है, जब एक साल का तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों समान है, जब 2 साल का होगा कोई भी अमाउंट, मान लो 1,000 रुपया है तो 2 साल का होता तो पहले तो एक साल कटेगा, दूसरी बार फिर 2 साल कटेगा, तो 1 साल पहली बार कटेगा तो जितनी परसेंट इंटरेस्ट होगा 1 साल, तो इसलिए 2:1 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे होता है देखते हैं। तो ये कितना साल का, ये 3 बार है तो 3 इयर्स है, तो 3:3:1 देखो। और दूसरा करना क्या, इसको हमने ध्यान याद रखना, ये 3 वर्ष का है तो अनुपात क्या होगा, 3:3:1 ओके। और क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में टी हमेशा 1 ईयर का लेंगे, क्योंकि ये ब्याज होगा, ब्याज पर ब्याज होगा, तो इसलिए टी हमेशा 1 ईयर होगा। तो कितने प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपया प्रिंसिपल, 8 मतलब होता है 8,000 रुपया का, 8,000 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट पीटीआर, टी तो 1 है, आर कितना है, आर 10%, 10% मतलब पहला साल आपको परसेंटेज के लिए 2 जीरो काट दिया, यानी 800 रुपया पहला साल आपको 800 रुपया है, और दूसरा साल ये 800 रुपया के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, 800 रुपया का 10% का मतलब होता है ये परसेंटेज में 2 जीरो काट दिया, यानी कि 80 रुपया और तीसरा साल, तीसरा मतलब 1 है, 80 रुपया का भी 1 साल काटा जाएगा, यानी कि 80 का 10% का मतलब होता है परसेंटेज में ये दोनों जीरो काट दिया 8 रुपया, तो ये हो गया 8 रुपया। क्लियर है? जितनी परसेंटेज होगा, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है पीटी आर बटा 100, तो टी तो 1 ईयर है तो पी इंटू आर बटा 100 लेंगे, पी इंटू आर हो गया प्रिंसिपल 8,000 हो गया, आर कितना 10% हो गया, तो 8,000 × 10% मतलब 800 है, फिर 800 × 10% 80 है, 80 × 10% 8 रुपये, तो ये सारे को गुना कर देंगे। गुना करने के क्या होता है, इसको सीधा 3×2400 ये और अनुपात कितना है, 3×2400 अनुपात 8, ये सब जोड़ देंगे, ये जोड़ने से कितना होगा, ये 2400+2408 हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट होगा ये 8 हो जाएगा, और ये 2424 हो जाएगा, 8 हो गया, नेक्स्ट 4 हो जाएगा, फिर 4×2 6 हो जाएगा, और इसमें कितना 2 हो जाएगा, 2648 रुपीज हो जाएगा। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2648 है, ये इसका तरीका है। आगे भी इस प्रकार मैंने क्वेश्चन कराएंगे और आपको समझाएंगे, इस ढंग से भी सॉल्व किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने क्वेश्चन कराया वो आपको समझ में आया। तो अगर सुबह अच्छा लगता है मेरे वीडियो को तो जरूर लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।